पेशावर हाई कोर्ट के जिस फैसले के मुंतजर हैं आप, जिसमें 46,000 एमडीकेट स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम दिया था और फिर दो ग्रुप्स हैं, एक रिकंडक्ट चाहता है और दूसरा कहता है कि वो पुराना एग्जाम जो ईटा के तहत लिया गया था उसको बरकरार रखा जाए, तो उसका फैसला अभी तक नहीं आया। तो जब भी वो फैसला मंजरेआम पर आएगा तो वो हम फेसबुक और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर देंगे और फिर वो आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक वो फैसला जो है तो नहीं लिखा गया और उसमें हो सकता है कि एक दो दिन में वो फैसला मंजरेआम पर आए। दूसरी बात यह है कि जितने जो लोग सुबह से मालूमात हासिल कर रहे हैं कि फैसले का क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो अभी जब तक मेन फैसला पेशावर हाई कोर्ट से नहीं आएगा तो हम ये बात करने से कासिर हैं कि फैसले में क्या है। लेकिन इंशाल्लाह रहमान जो लोग रिकंडक्ट के हक में हैं तो हम होपफुल हैं कि इसका फैसला हमारे हक में आएगा और जब भी फैसला आएगा तो हम वो आपको बता देंगे। अब्बास खान, संगीन एडुकेट।